अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैसल शहजाद और आप देख रहे हैं अर्न विद फैसल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावा आई के बारे में। पहले तो उसकी जो दो तीन अपडेट हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि हम जावा आई पर अपना अकाउंट रिचार्ज कैसे करेंगे। ठीक है, मुकम्मल तरीका आपको समझाने वाला हूँ, तो पहले हम रिचार्ज ही देख लेते हैं। अगर आपने इस पर अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने का जो तरीका है वो मैंने पिछली वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर किया था, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। उस वीडियो पे क्लिक करके आप अकाउंट बनाने का जो तरीका है उसको देख सकते हैं। और दोस्तों ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी प्लेटफॉर्म है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करने के लिए पहले आप होम के बटन पर आ जाएंगे, ये जो नीचे आपको होम का बटन नजर आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रिचार्ज बैलेंस, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगी, ऑफिशियल रिचार्ज और बैंक रिचार्ज, लेकिन हमने ऑफिशियल रिचार्ज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास कई तरह के पैकेजेस हैं, यानी आप मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस बाय कर सकते हैं। तो अभी मैं इस पे $50 डिपॉजिट करने लगा हूँ, मैं ये वाला पैकेज इनका बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके टू रिचार्ज पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक TRC20 का एड्रेस दिया जाएगा, USDT का ये एड्रेस है, इसको आप कॉपी कर लेंगे और आप आ जाएंगे अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन में, या फिर अगर आपके पास OKX है या फिर ट्रस्ट वॉलेट है आप वहाँ से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन में। बाइनेंस में आने के बाद आपने यहाँ पे वॉलेट के बटन पर क्लिक करना है, ये आपको कोने में मिल जाएगा। उसके बाद आपने देख लेना है कि आपका जो बैलेंस है वो स्पॉट में पड़ा है या फिर फंडिंग में पड़ा है। तो मेरा बैलेंस इस वक्त फंडिंग में है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपने विड्रॉ के बटन पर करना है, आपके अकाउंट में 51 USDT होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास इस वक्त 61 है, तो मैं यहाँ पे USDT पे क्लिक करता हूँ और आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेंड वी आई या क्रिप्टो नेटवर्क। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपने एड्रेस पेस्ट करना है, तो इस तरह का मेन्यू आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप एड्रेस पेस्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप नेटवर्क को चूज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। मैं अभी आपके सामने अमाउंट लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो एड्रेस पेस्ट करते हैं और यहाँ पे नेटवर्क में आपने TRC20 को चूज करना है। ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, सबसे नीचे आपको ट्रोन TRC20 नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें ट्रोन TRC20 है, इस पे हम क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंफर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे, हमने यहाँ पे 51 लिखना है। 51 लिखेंगे तो 50 USDT ट्रांसफर होंगे, 1 USDT फीस कट जाएगी। एड्रेस को आपने दोबारा से वेरीफाई कर लेना है। हम चलते हैं वापस वेबसाइट पर। जावाई की एप्लीकेशन पर आने के बाद आपने दोबारा से इसको वेरीफाई कर लेना है। इसको दोबारा कॉपी करेंगे और वापस चलेंगे वेबसाइट पर, दोबारा से इस पे क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देंगे। दोस्तों डबल चेक करना जरूरी है। उसके बाद ये जो विड्रॉवल का बटन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो नीचे कन्फर्म का बटन है ये दबा देना है। वेरीफिकेशन के लिए दो कोड सेंड किए जाएंगे, एक आपके मोबाइल फोन नंबर पे जाएगा और दूसरा आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है गेट कोड के लिए और यहाँ पे क्लिक करेंगे ईमेल के लिए। तो देखें दोस्तों बाइनेंस की तरफ से हमारे मोबाइल पर कोड आ चुका है, हम यहाँ पे उसको पुट कर देते हैं और इसी तरह ईमेल पर भी कोड आएगा, वो भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। दोनों कोड लगाने के बाद हमने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारा विड्रावल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं वापस वेबसाइट पर। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपने थोड़ी देर इंतजार करना है, जब आपकी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगी और यहाँ पे कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा, फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो छोटा सा बटन नज़र आ रहा है तो ये कॉपी हो जाएगी। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी हो जाएगी और अब हम चलेंगे वापस जावा आई एप्लीकेशन पर। तो जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था उसको अपलोड करेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एल्बम के बटन पे क्लिक करेंगे, तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको डन कर देंगे। हमारा स्क्रीनशॉट अपलोड हो चुका है, अब हम ओके टू रिचार्ज पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा रिचार्ज सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। दोस्तों जैसे ही आप रिचार्ज कंप्लीट करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, तब आपका बैलेंस इस वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ही आप रिचार्ज कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको इनका जो ओनर है उसका नंबर दे दूंगा, आपने उस नंबर पर अपनी डिटेल सेंड करनी है, जिससे आपको $10 का रिवार्ड फौरी तौर पर मिल जाएगा। वो किस तरह से आपने सेंड करना है अभी आपको समझा देता हूँ। दोस्तों ये जो नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये जावा आई का जो मैनेजर है उसका नंबर है, इससे आपने लाजमी रब्ता करना है और अपनी जो डिटेल
डिटेल है वो आपने शेयर करनी है, यानी आपने जो डिपॉजिट है उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे शेयर करना है, और अपना जो यूजर नेम है या फिर मोबाइल फोन नंबर है जिस नंबर से आपने अपना अकाउंट बनाया है वो भी इसके साथ शेयर करना है ताकि ये आपको रिवार्ड दे सके। तो मैं पहले तो अपना जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद आप लिखेंगे कि मैंने रिचार्ज कर लिया है, प्लीज गिव मी रिवार्ड। उसके बाद आप अपना यूजर नेम या मोबाइल फोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस लाजमी देंगे जिससे आपने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट किया हुआ है। दोस्तों जब आप इस मार्केटिंग मैनेजर से रابطہ करेंगे तो $10 का रिवार्ड आपको फौरी तौर पर मिल जाएगा, तो इसे رابطہ लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको रिवार्ड मिल जाए। तो अब हम चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। जब आपका बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा तो फिर आप मूवी के जो टिकट हैं वो खरीदेंगे। वो किस तरह से खरीदने हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और अब जो खुशखबरी है, जो कि गुड न्यूज है, तीन अपडेट है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला था, वो अब मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। पहली जो अपडेट है वो तो फिल्म फाइनेंसिंग के बारे में है, यानी फिल्म की जो टिकट्स हैं वो हमने किस तरह से बाय करनी है उसकी अपडेट आई है, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो ये है कि जावा आई की तरफ से एक इवेंट अरेंज किया गया है जो कि जावा आई की जो फर्स्ट एनिवर्सरी है उसकी खुशी में दिया जा रहा है। जावा आई इंडोनेशिया के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट अरेंज कर रहा है जिसके अंदर जावा आई की जो VIP 6 के एजेंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो VIP 6 के मेंबर हैं वो कौन से होंगे। तो दोस्तों पहली अपडेट हो गई एनिवर्सरी के हवाले से, दूसरी जो है वो फिल्म फाइनेंसिंग के हवाले से है, और तीसरी खुशखबरी भी आपको एंड में बताऊंगा, तो इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो जो दोस्त भी जावा आई पर काम कर रहे हैं उनके लिए अपडेट बहुत ही अहम हो सकती है, तो इसलिए आपने मिस नहीं करना और वीडियो को स्किप नहीं करना। तो दोस्तों जब आप न्यूज़ वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको एनिवर्सरी के हवाले से न्यूज़ मिल जाएगी कि जावा इंडोनेशिया के अंदर बाली का जो आइलैंड है वहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट अरेंज करने जा रही है जो कि 4 दिन का होगा और 3 नाइट का होगा, और इसमें 100 लोगों को इन्वाइट किया जाएगा जो VIP 6 होल्डर होंगे। तो ये जो इवेंट है ये 15 मई को होने जा रहा है, तो 15 मई से पहले पहले जो दोस्त भी VIP 6 बाय कर लेंगे वो इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस इवेंट के बारे में आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। 100 लोग इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 6 लेवल होना जरूरी है। तो दोस्तों अगली जो अपडेट है वो फिल्म फाइनेंसिंग के हवाले से है, हम चलते हैं वापस अपडेट पर। तो यहाँ पे आप देखें 12 अप्रैल की जो अपडेट है फिल्म फाइनेंसिंग के हवाले से है, हम इस पे क्लिक करते हैं। अब कंपनी की तरफ से एप्लीकेशन के अंदर नई फिल्म फाइनेंसिंग शुरू की जा रही है जिसका जो नाम है वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यानी खुशी की बात यह है कि ये 12 अप्रैल को शुरू कर दिया गया है। यानी दोस्तों फिल्म फाइनेंसिंग के अंदर अगर आप $10 लगाते हैं तो वो आपके $100 बन सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो इसका फायदा किस तरह से उठाना है मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अभी मैं आपके साथ गुड न्यूज शेयर कर रहा हूँ और अपडेट शेयर कर रहा हूँ। काफी दोस्त रिचार्ज का पूछ रहे थे जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसके बाद हम अगली अपडेट शेयर करते हैं। और अगली जो अपडेट है वो भी फिल्म फाइनेंसिंग के हवाले से ही है, 12 अप्रैल को ये भी लॉन्च हो रही है। इंडोनेशिया के टाइम के मुताबिक 12 अप्रैल से आप इस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी जावा आई पर काम कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ मिलकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह से हम इससे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जावा आई के अंदर अगर आप $50 लगाते हैं तो एक हफ्ते में आप उसको डबल कर सकते हैं। किस तरह से करना है इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और दोस्तों अपडेट के लिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।